Hey guys, welcome back to my another vlog and another video. I hope आप सभी अच्छे होंगे. अच्छे नहीं भी हैं तो जल्दी से अच्छे हो जाइए, क्योंकि आज का vlog काफ़ी सही होने वाला है. तो मैं अभी कुछ अपनी करंट अपडेट दे देता हूँ. कल ही मैं जम्मू आया था और बैग वगैरह पैक हो गए हैं मेरे, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे. तो अभी मैं निकले लगा हूँ, क्योंकि नितिन भैया भी मेरा वेट कर रहे हैं. वो पहुँच चुके हैं बस स्टैंड जम्मू में. तो अभी उनको मतलब उनको साथ लेके हमने चलना है सीधा रेलवे स्टेशन. बताऊँगा नहीं कि कहाँ पे जा रहे हैं. अब देखते रहिए, मेरा दो तीन दिन लगभग मेरे काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं. जहां हम न्यू लोकेशन पे जाने वाले हैं, वहां की भी रील्स आपको देखने को मिलेंगी. रील्स देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं विद उत्कर्ष शर्मा के नाम से. तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए मेरे साथ. तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ. अभी मुझे छोड़ने जा रहे हैं मुस्कान भाभी, जिनको आपने मेरे हिमाचल वाले जो व्लॉग थे मेरे उनमें देखा हो. ये खड़े हैं भाभी, तो ये मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि चेयर छोड़ के हो और ये मुझे जा रहे हैं छोड़ने. तो रेडी हो चुका हूँ मैं, शूज़ नहीं पहन रहा क्योंकि मैं ट्रैवल करने में शूज़ में मतलब कम्फर्टेबल नहीं रहता यार. चलिए अभी भाभी मुझे छोड़ने आए थे स्टैंड तक, मुख्य स्टैंड तक. तो यहाँ पर कोई भी अभी गाड़ी वगैरह नहीं लगी है, तो भाभी मुझे सीधा बस स्टैंड छोड़ने जा रहे हैं. तो उनका मौसम इन दिनों में काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है. इतनी भी नहीं है अभी, मतलब ठीक है. अब थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है. आगे जहाँ जाने वाले वहाँ का कोई पता नहीं है भाई कैसी गर्मी पड़ने वाली है वहाँ पे. फिर भी मज़ा आएगा काफ़ी. आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग, जुड़े रहिए. इन चार पाँच दिन में डेली ब्लॉग मैं जिस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वहाँ का डेली में एक ब्लॉग आपके लिए ला सकूँ. तो गाइज अभी भाभी ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया बस स्टैंड में. अभी हमें यहाँ से कोई गाड़ी पकड़नी पड़ेगी और जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन. 6:30 की हमारी ट्रेन हो रखी है. तो चलते हैं, मिलते हैं सीधा आपको जाके रेलवे स्टेशन. तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर. तो बैग देख रहे हैं आप मेरे पीछे, जो कि काफ़ी भारी है. और सच बताऊं तो अंदर की बात बताऊं तो जो हमारी टिकट हो रखी थी ट्रेन की, वो अभी तक वेटिंग में चल रही है, कंफर्म नहीं है. तो जहां हम जा रहे हैं, सफ़र तो काफ़ी लंबा है, फिर भी यार जैसे भी जाना पड़ा जाना तो है हमें. और चलिए मिलते हैं आपको अंदर जाकर. जा भाई यार, ये तो चला गया, चले जाएगा. चलिए पिक करते हैं इसको आगे से. ये आ चुका है हमारा बैग. तो गाइज ये रही हमारी टिकट्स. और ट्रैक की हालत तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ख़राब हालत है यहाँ की. और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन आने का, जो कि अभी आधा घंटा लगभग और हमें लग जाएगा यहाँ पे. तो फिलहाल तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास. तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कठुआ. सीट हमें मिल चुकी है और काफ़ी टाइम बाद मिली, क्योंकि हमारी जो टिकट हो रखी थी वो वेटिंग में थी और कन्फर्म अभी हो चुकी है. तो वो काफ़ी लगी है और आगे देखते हैं. अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि दिन का कुछ खाया नहीं था. अभी खाने का टाइम भी हो चुका है, तो खाते हैं फिर मिलते हैं उसके बाद. सो गाइज अभी हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे हैं. मुझे पता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा है. चलिए फिर भी देखते रहिए व्लॉग मेरा. अभी तो फिलहाल सीटें खाली हो चुकी हैं, बट कुछ टाइम में ये भी फुल हो जाएंगी. हमारी सीट तो वो सामने है.
टाइम का थोड़ा आपको बता देता हूँ, इस वक्त 7:30 हो चुके हैं और हमारा लगभग 15 मिनट का सफर है ये। तो सुबह बताऊँ 10 बजे ही पहुँच रहे हैं हमने, काफ़ी लंबा सफ़र है, तो बस सफ़र अच्छा रहना चाहिए। तो मिलेंगे आपको भाई। तो फाइनली गाइस अभी मैं एक स्टेशन पे खड़ा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। फैमिली थी जो कि जलंधर से थी और हमारे साथ ही ट्रैवल करके आई है, जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। और काफ़ी अच्छा लगा इन भाइयों से मिलकर, ये पूरी फैमिली थी और बातचीत, मतलब टाइम इतना जल्दी स्पेंड हो गया इनके साथ, ये पता ही नहीं चला। तो भाई माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे पक्का, जब भी आए आप जम्मू कश्मीर। तो अभी मैंने जिनसे आपको मिलवाया वो फैमिली यहाँ पे उतर चुकी है, तो सच में यार पता नहीं चला उनके साथ जब हम जम्मू से आए, और बातचीत करने में मतलब पूरा टाइम निकल गया और काफ़ी अच्छे थे। ऐसे बंदों के साथ मुझे लग रहा है ट्रैवल करने में काफ़ी मज़ा आता है। और चलिए बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल में। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम रात से ट्रैवल कर रहे हैं, जम्मू से लगभग हम निकले थे 6:30, अभी 9:30 हो चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं। अब मुझे लग रहा है बताने का वक्त हो गया है कहां आए हैं हम, क्योंकि अगर मैं पहले ही बता देता मुझे नहीं लगता कि आप मेरा ब्लॉग ये पूरा देखें। तो अभी मैं खड़ा हूँ जयपुर जंक्शन, हाँ मैं जयपुर ही आया हूँ। और अब मेरे यहाँ के 2-3 दिन आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखेंगे, जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगा, जगह नई नई जगह मतलब एक्सप्लोर करूँगा। तो आई होप कि ये मेरा आज का व्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाके सब्सक्राइब करो। तो ढेर सारा प्यार भाई की तरफ से। तो जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, आप देखना मत भूलिए उत्कर्ष शर्मा।